हाय फ्रेंड्स, नमस्ते. मेरा नाम है लक्ष्मी एंड वेलकम टू लकीज ब्यूटी एंड क्रिएशंस. मेरे चैनल पे अभी निटिंग के बेसिक्स में दिखा रही हूँ. तो अब हम देखेंगे कास्टिंग ऑन का और एक मेथड. मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने कास्टिंग ऑन या फंदे कैसे डालते हैं वो मैंने चार तरीके मैंने आपको दिखाए थे, जो नॉर्मल स्लिंग शॉट या लॉन्ग टेल मेथड से. एंड नेक्स्ट हमने यूज किया ये क्रोशा हुक से कैसे फंदे डाल सकते हैं, या थंब यूज करके हम कैसे फंदे डालेंगे, या थ्रेड को हम ट्विस्ट करके कैसे फंदे डालेंगे. वो चार तरीके मैंने मेरे चैनल पे प्रीवियस वीडियोस में मैंने दिखाया है. अगर आप चाहे तो मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हो एंड मेरे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हो. अगर आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट ऑन द बेल बटन टू नोटिफाई न्यू वीडियोस. एंड अब हम देखेंगे और एक आसान तरीका जो बिगिनर्स को मैंने देखा हुआ है. वो जो मैंने प्रीवियस कास्टिंग मेथड या फंदे डालने का मेथड मैंने बताए हुए उनसे एक एक बार वो नीडल और ये थ्रेड एट ए टाइम वो मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो उसमें उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बिगिनर्स के लिए. तो उनसे भी एक आसान तरीका मैं कास्टिंग का फंदे डालने का मैं अभी बोलने जा रही हूँ. तो उसमें आप स्टार्ट करेंगे, ये पहले आप एक स्लिप नॉट डालेंगे हम, जैसे नॉर्मल स्लिप नॉट इस तरह गाठी, जो नॉर्मल गाठी डालते हैं हम. ये हो गया हमारा स्लिप नॉट. और मेरे चैनल पे मैं आपको नीट स्टिच या सीधी सिलाई कैसे करना है वो मैंने बता चुका है. ये हो गया हमारा पहला स्लिप स्टिच और ये टेल है उसका. टेल हम पीछे छोड़ देंगे, देखिए ये छोड़ दिया. और ये है वर्किंग, जो बॉल को अटैच हुआ है, हमारे ऊन को अटैच हुआ है, ये है. अब हम स्टार्ट करेंगे आसान तरीका फंदे डालने का, जो आपको दोनों मैनेज उतना प्रॉब्लम नहीं होगा बिगिनर्स के लिए. देखिए जैसे हम नीट स्टिच करते हैं या सीधा सिलाई करते हैं उसी तरह से नीडल को इस तरह लूप में डालना है क्रॉस करके आगे से पीछे. एंड जो ये वर्किंग ऊन है हमका हमारा, ये पीछे से इस तरह से लेंगे इस नीडल पे. और इस ऊन के समेत हम नीडल को इस लूप से बाहर ले निकालेंगे, जैसे हम नीट स्टिच करते हैं. तो ये हमने अब लूज किया. लूज करने के बाद इस तरह से हम इसको लेफ्ट नीडल पे चढ़ा लेंगे. तो ये हो गया हमारा सेकंड फंदा, सेकंड कास्टिंग स्टिच. ये पहला हमने स्लिप स्टिच किया था और इसके अंदर से नीट स्टिच करके हमने इसको चढ़ा लिया है. फिर एक बार दिखा देती हूँ, ये ऐसे करके क्रॉस करना है. फिर नेक्स्ट स्टिच में इसको पीछे के नीडल में हमें रैप करना है और इस नीडल को ऊन के समेत लूप के समेत हमें बाहर निकालना है. थोड़ा सा खींच के जो ये वाला आगे का जो फंदा रहता है ये वाला, इसको हमें इस तरह से इसके ऊपर चढ़ा लेना है. और इसको हल्के से, बहुत टाइट नहीं खींचिएगा. देखिए ये हो गया हमारा तीसरा फंदा. इसी तरह हम फंदे कितना चाहे उतना, इसमें आपको बहुत ज्यादा मैनेजिंग नहीं करना पड़ेगा, आसान से फंदे डलते जाएंगे. बिगिनर्स के लिए बहुत ही आसान तरीका है ये. देखिए आपको अच्छे से नजर है, इसलिए थोड़ा सा मैंने मोटा ऊन लिया हुआ है. इसी तरह आप जितने चाहे फंदे
डालते जाइए। अब देखिए अब हम इसमें देखिए ये हमारे फंदे ऐसे तैयार होते जाएंगे। अब हम इसमें निट स्टिच करके देखेंगे कि इतना ये कैसे आपको कुछ फर्क नहीं लगेगा जो प्रीवियस में फंदे लेते थे और इसमें, और उन जो पहले प्रीवियस की मेथड में हमने कैसे फंदे लिए थे उसमें और इसमें बुनाई में कुछ फर्क नहीं आएगा। देखिए निकलेंगे नहीं फंदे, फंदे लूज भी नहीं होंगे। ये हमने निट स्टिच कर लिया। देखिए तो ये है फंदे डालना, वेरी इजी मेथड बिगिनर्स के लिए। शायद आपको पसंद आए ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कमेंट शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।